आज हम लोग केमिस्ट्री में स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होता है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक का मतलब होता है कार्बन से बना हुआ रसायन, ठीक। और इस केमिस्ट्री के अंदर पे क्लास 11 में जो हम लोग का पहला चैप्टर पड़ता है उसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए हो गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादातर जो आपको कंपाउंड देखने के लिए मिलेगा वो कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ होता है। समझ में आ गया, किससे मिलकर बना हुआ होता है? कार्बन और हाइड्रोजन से। और इस प्रकार का जो कंपाउंड हमको दिखाई देगा उस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन। बात पकड़ में आया? किससे किससे मिलकर बना हुआ रहेगा? कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन प्लस हाइड्रोजन, इससे जो कंपाउंड फॉर्म्ड होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। क्लियर? अब यहां पे थोड़ी सी और जानकारी कि जब ये कंपाउंड फॉर्म कर रहे होंगे कौन कौन? कार्बन और हाइड्रोजन मिलके, तो इस दोनों के बीच में हमारा कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्म होता है। क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्म होता है, इसीलिए इससे बना हुआ जो कंपाउंड है उसको हम लोग कोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। बात पकड़ में आया मेरा? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड, इसलिए कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ कंपाउंड को क्या कहते हैं हम लोग? कोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं, ठीक। तो लिखते हैं यहां पे, दिस इज बेसिकली बेसिकली कोवैलेंट कंपाउंड। सामान्यतः ये किस प्रकार की यौगिक बनाता है? कोवैलेंट यौगिक, कंपाउंड का मतलब ही यौगिक। क्लियर? डाउट है कहीं पे? अगर हम इसका डेरिवेटिव्स की बात करें, डेरिवेटिव्स का मतलब समझ में आता है? व्युत्पन्न। व्युत्पन्न का क्या मतलब? कि वहीं से जन्म लिया हुआ, उसको क्या कहते हैं हम लोग? व्युत्पन्न कहते हैं। अगर हम इसकी डेरिवेटिव्स की बात करें तो किस कभी कभी हाइड्रोजन के स्थान पे, किसके स्थान पे? हाइड्रोजन के स्थान पे आपको ऑक्सीजन दिखाई देगा, नाइट्रोजन दिखाई देगा या ग्रुप 17 दिखाई देगा। लिख दे, क्या दिखाई देगा? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या एक्स। एक्स का मतलब समझ में आता होगा? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन इज हाईली नेगेटिव एलिमेंट। द कंपाउंड फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नॉन एज हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। बात पकड़ में आया होगा? कार्बन एवं हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहते हैं हम लोग? हाइड्रोकार्बन यौगिक कहा जाता है। यही बातें लिखी हुई है यहां पे एक लाइन पे, है कि नहीं? चलिए क्लियर हुआ? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए पीरियडिक टेबल तो इसे जानना सबको जरूरी है, हम सीख भी चुके हैं पीरियडिक टेबल, लेकिन चार पांच ऐसे एलिमेंट्स हैं
जिसको आपको जानना काफी जरूरी है, उसके बगैर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को नहीं समझ पाएंगे। ठीक, तो चलिए यहां पे लिखते हैं हम लोग, ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, यानी कि हमेशा आपको इसको याद रखना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। ठीक, और क्या रखना है याद उसको भी देख लीजिए। पहला जो याद रखना है एलिमेंट, आप कौन कौन सा एलिमेंट को याद रखना है वो भी हम बात करेंगे। दूसरी चीज आपको याद रखना है इसका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, किसको याद रखना है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तीसरी बातें आपको याद क्या रखना है, LDS, Lewis Dot Sambor, LDS, ये बातें आपको याद रखनी है। और चौथी बातें आपको याद रखना है वैलेंसी, वैलेंसी, वैलेंसी का मतलब, वैलेंसी का मतलब नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, जिस इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा नहीं है वो उस एटम का वैलेंसी कहलाता है। क्लियर? चलिए अब आते हैं कि आपको कौन सा एलिमेंट को याद रखना है। देखिए सबसे पहले तो आप याद रखेंगे एलिमेंट में कार्बन को, ठीक, फिर किसको याद रखेंगे, हाइड्रोजन को, फिर नाइट्रोजन को, फिर ऑक्सीजन को, फिर हैलोजन ग्रुप को यानी कि एक्स को। बस ये पांच एलिमेंट को आपको खास तौर पे याद रखना होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। क्लियर? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन्स जो एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे प्रेजेंट हो वो इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाता है। कार्बन की एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन में तोड़ेंगे तो 2, 4 है कि नहीं, तो 4 इसका क्या कहलाएगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर? हाइड्रोजन तो हमेशा अकेले 1, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 यानी कि 2, 5, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, ऑक्सीजन 6 मतलब 8 होता है तो 2, 6, हाइड्रोजन 7, 9 होता है। बेसिकली अगर हम क्लोरीन को लेके चले, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन अगर मान के चले, क्लोरीन को भी लेके चलते हैं तो 17, 2, 8, 7 लास्ट में कितना 7, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। क्लियर? एलडीएस किसको कहते हैं, कि जिस एलिमेंट को हमने उठाया उस का जो लेटर है उसके चारों ओर उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से दर्शाएंगे वही क्या कहलाएगा, लेविस डॉट सिंबल कहलाएगा। क्लियर? कार्बन है तो यहां पर हम क्या लिखने वाले हैं, कार्बन कितना, 4, 1, 2, 3, 4, ये कार्बन का एलडीएस हुआ, लेविस डॉट सिंबल हुआ। हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 5, ध्यान देंगे कैसे करेंगे इसको, 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर? चलिए ऑक्सीजन को देखिए कितना, 6, ऐसे करेंगे 1, 2,
थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक, सेवन एक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन हो गया। अब आगे चले, वैलेंसी नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स की, वो इलेक्ट्रॉन्स जिसका जोड़ा नहीं है, है कि नहीं? तो कार्बन में बताइए कितना इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा नहीं है? चार। तो इसका वैलेंसी क्या हो गया? चार। बात पकड़ में आया? इसका कितना का जोड़ा नहीं? वन। यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा नहीं? थ्री। यहां पे टू। यहां पे one. तो ये इसका वैलेंसी कहलाता है। समझ में आ गया? लेविस डॉट सिंबल इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि आने वाला समय पे हम बहुत सारे इफेक्ट पढ़ने वाले हैं। समझ में आ गया? आइसोमेरिक इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट, तब आपको उस समय ये लेविस डॉट सिंबल का उपयोग होगा। आपको लगता है ना यहाँ पे कि हमारा जो पेयर इलेक्ट्रॉन्स है उसका कोई काम नहीं है? तो जो जो इफेक्ट हम पढ़ेंगे, आइसोमेरिक इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट, ये सारी इफेक्ट, तब हम इसका यूज को समझेंगे कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या बनाती है? बॉन्ड बनाती है, दूसरे के साथ में क्या करती है? साझा करती है। लेकिन जो यहाँ पे आपका पेयर इलेक्ट्रॉन्स है वो किस तरह से इफेक्ट डालती है? समझ में आ गया? फिलहाल इतनी सी हम लोग बातें सीखें, आगे थोड़ा सा और सीख लेंगे ताकि हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम इजी लग जाए। इतनी सी बात सीखने के बाद में हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के बारे में। समझ में आ गया? किसके बारे में बात करें? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, कार्बन, कार्बन के पास में कितना इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा नहीं है? चार। जोड़ा नहीं है तो जोड़ी खोजेगा, है कि नहीं? हाथ को लंबा करेगा, मेरे हाथ को कोई पकड़ ले, है कि नहीं? बताइए, हाइड्रोजन एक है तो एक ही, बताइए नाइट्रोजन थ्री, थ्री है, देखिए नहीं, और यहां पे प्यार इलेक्ट्रॉन है नहीं है, ऑक्सीजन पे आइए, है कि नहीं? एक्स में आइए, बन गया सबका, समझ में भी आ गया होगा। कार्बन का वो गुण एक विशेष प्रकार की गुण होती है, किसमें? कार्बन पे। और वो गुण होती है लंबी चैन बनाने का। केवल कार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या बना सकता है? लंबी श्रृंखला पे चैन बना सकता है। क्लियर? तो लिख देते हैं इसको फर्स्ट नंबर देके, फर्स्ट नंबर लिखिए, कार्बन है, सी का मतलब समझ में आएगा, कार्बन है लॉन्ग चैन फॉर्मिंग प्रॉपर्टीज। बात पकड़ में आया होगा? कार्बन के पास में लंबी चैन बनाने की क्या होती है? गुण होती है। क्लियर? अब ये
जो चैन है इस तरह से बनेगा, है कि नहीं? या दूसरी तरह से आप बनाना चाहें तो किस तरह से बना सकते हैं? कैसी भी बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सिर्फ लंबी चैन होना चाहिए। क्लियर? हो गया। दूसरा, कार्बन ऑल्सो फॉर्म साइड चेन। कार्बन अपने साइड में भी चेन बनाती है, ये भी गुण है कार्बन पे। समझ पा रही है बात को? कैसे साइड पे चेन बना सकती है, ये देखिए, देख रहे हैं ना? इस तरह से साइड में भी चेन बना सकता है कार्बन। देख लिए। तीसरा गुण की बात करें कार्बन की, तो ये हमारा रिंग भी बनाता है। कार्बन ऑल्सो फॉर्म रिंग, कार्बन ऑल्सो फॉर्म रिंग्स, रिंग भी बनाता है ये। रिंग बनाने के लिए कार्बन को एटलीस्ट यानी कि कम से कम 3 एटम्स की आवश्यकता होती है, यानी कि 3 कार्बन जब रहेंगे तभी वो रिंग बना सकते हैं, अदरवाइज रिंग नहीं बना सकते। समझ में आया? रिंग शेप में है, जैसा बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। ये देखिए, ये भी क्या है आपका, रिंग है। ये लीजिए, ये भी क्या है आपका, रिंग है। इस तरह से क्या है, ये रिंग बनाती है कार्बन। क्लियर? फोर्थ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। कार्बन क्या करती है, बॉन्ड भी बनाती है, बॉन्ड मेकिंग है कि नहीं? यानी कि बॉन्ड बिटवीन में भी क्या हो सकता है, सिंगल डबल एंड ट्रिपल। ये देखिए, ये 3 तरह से बॉन्ड बनाती है, यानी कि कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। इस तरह से यहां पे आपको हम जानकारी की बात करें, जो हमारा बॉन्ड फॉर्म हुआ, ये बॉन्ड हमारा बेसिकली 2 प्रकार का होता है, आप पढ़ भी चुके हैं। एक आपका सिग्मा बॉन्ड होता है और एक होता है पाई बॉन्ड होता है। एक चीज याद रखेंगे, जब कहीं पर भी आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई दे तो केवल वो सिग्मा बॉन्ड को इंडिकेट करता है, है? जहां पे डबल बॉन्ड दिखाई दे वहां पे एक बॉन्ड आपका सिग्मा होगा और एक बॉन्ड पाई होगा। ये कहना गलत है कि ऊपर वाला को आप सिग्मा बोलेंगे और नीचे वाला को पाई। इस दोनों में से कोई एक सिग्मा है और कोई एक पाई है। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें से एक बॉन्ड आपका सिग्मा होगा और 2 बॉन्ड पाई होगा। क्लियर? चलिए, ये आपको कैसा बॉन्ड है, सिंगल, सिंगल का मतलब सिग्मा, यहाँ पे डबल है मतलब एक आपका सिग्मा और एक पाई बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड मतलब एक सिग्मा और 2 आपका पाई बॉन्ड है।
हो गया, क्लियर। ये था थोड़ा सा हम लोग का बेसिक जानकारी। आगे हम लोग बढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स की ओर। हाइड्रोकार्बन आपको पता है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन गिव H4 hydro C4 carbon। क्लियर। अब यहां पे घटनाएं हम लोग समझेंगे LDS से। आपके पास में क्या है, कार्बन। देखिए LDS, क्लियर, प्लस हाइड्रोजन। लेविस डोर से हम बुलाइए। ये कितना हाथ को फैलाया है, चार। ये कितना हाथ को फैलाया है, एक। अगर ये कार्बन हाइड्रोजन को पकड़ना चाहे तो कितना हाइड्रोजन को पकड़ सकता है, चार। एक को पकड़ेगा, चार हाइड्रोजन को पकड़ सकता है, क्योंकि कार्बन के पास में चार हाथ है कि नहीं, और हाइड्रोजन के पास एक ही है। तो कार्बन अगर हाइड्रोजन को पकड़ना चाहे तो चार को पकड़ सकता है। क्लियर, नहीं समझ में आया, आया मतलब ये वाला यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो इस तरह से आपको ये चीज दिखाई देगी, है कि नहीं, बात समझ में आया है ना। आगे ध्यान से देखें, कार्बन में अपने आप में भी क्या होता है, बॉन्ड मेकिंग कैपेबिलिटी होता है, चाहे वो सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, या ट्रिपल बॉन्ड हो। ये देखिए बॉन्ड बनाया। अब एक इसका और एक इसका, दोनों यहां पे क्या हुआ, बॉन्ड बनाया, साझा करके बॉन्ड बनाया। इसके पास में आप कितना बचा, बात पकड़ में आए। अब ये हाइड्रोजन को पकड़ना चाहे तो कितना हाइड्रोजन को पकड़ सकता है, छह। यहां यहां इस तरह से छह हाइड्रोजन को ये पकड़ सकता है। क्लियर, बताइए यहां पे तीन, यहां पे दो, हाँ, क्योंकि इधर एक और इधर एक, तो कितना बचा इसमें, दो, इसमें तीन। अब हाइड्रोजन की संख्या बोलिए, जितना आपको खाली जगह दिख रहा है ना, सब में हाइड्रोजन को भर दीजिए। ये बना, क्लियर। ये भी बनाती है कार्बन डबल बॉन्ड, इसके पास में तीन, इसके पास में दो, एक दो तीन चार, इसके पास में एक दो तीन ऊपर या नीचे, किधर भी आप कर सकते हैं, चार, इसका एक दो तीन चार। क्लियर, हाइड्रोजन को भरना चाहे तो भर सकते हैं इस तरह से। हो गया, यस सर। आगे कार्बन, इस कार्बन का काउंट कीजिए, वन टू, कितना बचा, दो बचा हुआ है। इस कार्बन का काउंट कीजिए, वन टू, टू बचा हुआ है, इसका भी, इसमें क्या जुड़ने वाला है, बात
बात पकड़ में आया? चलिए काउंट कीजिए, 1 2 कितना होना चाहिए? 2 है इसमें और इसमें, क्योंकि कार्बन 4 ही है। 1 2 3 4 1 2 3 4 इसमें क्या लग जाएगी आपकी? हाइड्रोजन। हो गया? थोड़ा सा समझिएगा, इसको ध्यान दीजिए। यहां पे कार्बन की संख्या कितना? कार्बन की संख्या कितना? एक। हाइड्रोजन की संख्या कितना? चार। लिख सकते हैं ठीक? इसको समझिएगा, इस पार्ट में ध्यान दीजिए। इस पार्ट में सी एच थ्री, बीच में इधर सी एच थ्री है कि नहीं? थोड़ी सी बात, सी प्लस सी, दो कार्बन है, क्या हो जाएगा? सी टू हाइड्रोजन सिक्स। इस प्रकार का फॉर्मूला को हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जबकि इस प्रकार का फॉर्मूला आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। बात पकड़ में आया? लिख देंगे आप, ये कैसा फॉर्मूला? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और ये क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हम MF लिख देते हैं, चलेगा? M फॉर मॉलिक्यूलर और F फॉर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये बाकी भी आप लिखने पाएंगे? Yes, कैसे लिखेंगे इसको? सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड, सी के साथ में एच टू सिंगल बॉन्ड, सी एच थ्री। ये क्या हुआ इसका? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये या ये, आप बीच के बॉन्ड नहीं भी लगाएंगे तब भी सही होगा। अगर इसको आप लिखना चाहें जोड़ के तो क्या होगा? सी थ्री हाइड्रोजन को जोड़िए, 3 और 3 6 और 2 8। ये देखिए, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया। हो गया? हाइड्रो कार्बन को अगर हम बांटना चाहें, समझ रही है? तो बेसिकली सबसे पहले तो इसको हम दो तरह से बांटते हैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक, एलिफेटिक और एरोमेटिक्स। लेकिन अभी हम उसको नहीं पढ़ने वाले हैं। एलिफेटिक और एरोमेटिक्स का क्या मतलब होता है उसको भी हम बता दें यहां पे, कि जब कार्बन हमारा चैन पे जुड़ा हुआ हो तो उस प्रकार का कंपाउंड को क्या कहते हैं? एलिफेटिक कहा जाता है। अब जब कार्बन रिंग में जुड़ा हुआ हो उसको क्या कहते हैं? एरोमेटिक कहते हैं। अभी हम उस क्लासिफिकेशन में बात नहीं करेंगे, दूसरी और एक क्लासिफिकेशन की बात करें हम, तो ये भी हमारा दो प्रकार की होती है। एक होती है सैचुरेटेड कार्बन और एक होती है अनसैचुरेटेड कार्बन। इस दोनों में फर्क इतना ही है, एक में डबल बॉन्ड होती है और एक में सिंगल बॉन्ड होती है। क्लियर? लेकिन अभी हम जो क्लासिफिकेशन की बात करेंगे वो क्लासिफिकेशन तीन प्रकार की होती है। कितना प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। पहला जो हाइड्रोकार्बन्स का टाइप होगा वो होगा आपका एल्केन, दूसरा होगा
एल्किन, और तीसरा जो होगा एल्काइन। हम इसको सीखेंगे, फिर बाद में सीखेंगे आपका एलिफेटिक एरोमेटिक। क्लियर? एल्केन दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड को दिखाता है, एल्किन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड को दिखाता है, एल्काइन दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड को दिखाता है। हो गया? जनरल फॉर्मूला एल्केन का, जनरल फॉर्मूला एन, एन यहां पे किसको दिखाया, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को दिखाया, सी एन एच टू एन प्लस टू, ये एल्केन का हमारा जनरल फॉर्मूला है। हो गया? एल्किन का जनरल फॉर्मूला सी एन एच टू एन क्या होगा, सी एन एच टू एन, ये इसका जनरल फॉर्मूला। क्लियर? एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होगा आपका सी एन एच टू एन माइनस टू, ये इसका जनरल फॉर्मूला। लिख लिया आप ये तीनों फॉर्मूला? चलो मिटा दे इसको। एन किसको दिखाता है, नंबर ऑफ कार्बन को, यहां पर हम लिख भी देते हैं, ये एन, एन नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन को दिखाएगा ये। ठीक, जब आप n इज इक्वल टू क्या लेते हैं, वन, या आप तो आपके पास में है, हम एक बार लिख लेते हैं, ठीक, आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। पहले हमारा क्या था, एल्केन, फिर एल्किन, फिर एल्काइन, है ना। जब हम n इज इक्वल टू क्या लेने वाले हैं, वन लेने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, n यहां पे है, तो बताइए इस फॉर्मूला का यूज करेंगे हम, सी वन एच टू इंटू वन प्लस टू, बोलिए सी दो का दो प्लस दो कितना हो गया, सी एच फोर बनेगा, है कि नहीं, ये बनेगा क्या, ये बनेगा नहीं बनेगा, साथ पकड़ में आया आप, लगा के देखिए कहां से फॉर्मूला लाइएगा। चलो, क्योंकि ये दो कार्बन का बीच का बॉन्ड को दिखाता है, ये कार्बन में कहां से आप डबल बॉन्ड लाइएगा, नहीं बात पकड़ में आया। क्लियर? चलिए एन इज इक्वल टू टू लीजिए, केवल फॉर्मूला में फुट कीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएगा। अब इसको याद करने का हम और एक ही तरीका बताते हैं, है कि नहीं। चलिए, ये तो हमारा एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्किन, अल्केन, अल्काइन, और इस फॉर्मूला के आधार पे आप इसका नाम बना सकते हैं। लेकिन एक इजी तरीका हमारे पास है कि सिर्फ आपको क्या करना है, CH4 को याद कर लेना है। ठीक, अब हर एक बार में आपको क्या कर देना है, CH2 ऐड कर दीजिए, ऐड कीजिए, हाइड्रोजन कितना टाइम, कार्बन और क्या ऐड करेंगे, बोलिए और क्या ऐड करेंगे, बोलिए, कहीं तक लिख जाइए,
वही मिलने वाला है जो इस फॉर्मूला से मिलता है। क्लियर? ये किसकी बात करें हम लोग? एल्केन का। अगर यहां से हमको क्या चाहिए? एल्काइल चाहिए। क्या चाहिए? एल्काइल। तो जो आपको वैल्यू मिला है उस वैल्यू से एक हाइड्रोजन को माइनस कर दीजिए। कितना मिलेगा? ये आपका एक हाइड्रोजन माइनस C2H5, एक हाइड्रोजन फिर माइनस C3H7, एक हाइड्रोजन फिर माइनस C4H9। ये सब आपका क्या बन गया? एल्काइल बन गया, है ना। थोड़ी सी बात करेंगे हम लोग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के बारे में, जल्दी जल्दी आप बनाएंगे अपना अपना स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। CH4 C2H6 3 C2H4 C2H2 5 C2H5OH 6 HCHO 7 CH3 CHO 8 CH3 COOH 9 C2OH 10 CH3NH2। जब हम इस चैप्टर का शुरुआत कर रहे थे तब ऑलवेज रिमेंबर करके कुछ एलिमेंट का नाम लिखे थे। yes, क्या उस एलिमेंट से बाहर में कोई एलिमेंट है? है कोई एलिमेंट बाहर सा? नहीं है ना। तो आपका इसका सबका वैलेंस याद होगा? वैलेंस याद होगा? एलडीएस याद होगा? लेविस डॉट सिंबल याद होगा? तो जल्दी से आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, जल्दी से। लीजिएगा इसका स्ट्रक्चर। ये फर्स्ट नंबर, फर्स्ट में क्या दिखाई देता है आपको? CH4 दिखाई देता है फर्स्ट में। कार्बन कौन दिखाई दे रहा है फर्स्ट में? क्या दिखाई दिया? कार्बन। कार्बन का आप स्ट्रक्चर बनाए हैं लेविस डॉट सिंबल पे। हाइड्रोजन चार, हाइड्रोजन का एक हाथ चारों तरफ जुड़ जाएगा, ये हमको पता है। सेकंड नंबर आइए, C2 पहले कितना कार्बन यहाँ पे? दो कार्बन। इसका प्रॉपर्टीज आपको पता है, ये बॉन्ड से जुड़ती है, है कि नहीं। इसका कितना हाथ बचा यहाँ पे? कितना जगह खाली? हाइड्रोजन कितना दिखाई देता? ये देखिए, देखिए यहाँ पे C2H4। अब यहाँ पे समझिएगा कि कार्बन कितनी? दो। हाइड्रोजन कितना? चार। एक कार्बन का कितना हाइड्रोजन? दो हाइड्रोजन। बंटवारा हो गया ना? यस सर। पकड़ पाई? यस सर। एक बाप का दो बेटा उसका चार खेत, बंटवारा हो गया था। कितना कितना? दो दो। तो एक कार्बन के पास में कितना हाइड्रोजन जाएगा? दो। आंख बंद कर लीजिए ऐसा, दो दो लगा दीजिए इस तरह से। अब इसको चार तो पूरा करना है। yes, लगा दीजिए। समझ पाई? yes, तीसरा नंबर, फोर नंबर, कितना कार्बन? दो कार्बन। हाइड्रोजन कितना? दो। एक कार्बन के लिए कितना? एक हाइड्रोजन। मतलब ट्रिपल बॉन्ड। एक है तो कितना बचा? तीन है कि नहीं। चलिए इधर
सी, एक दो तीन चार, हाइड्रोजन एक दो तीन, इसके बाद फिर कार्बन, कार्बन का फिर कितना चार, एक दो तीन चार, फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना एक, एक, फिर ये देखिए इतनी सी बात समझ में तो आता है ठीक, सब चलेगा सीखने के बाद में, तो तुम किधरों भी लगा सकती है, डबल ई बॉन्ड है ना वो। चलिए आगे ध्यान दीजिए, फिर क्या है आपके पास, कार्बन एक दो तीन चार, हाइड्रोजन तीन, एक दो तीन, फिर आइए कार्बन एक दो तीन चार, फिर आइए ऑक्सीजन, है कि नहीं, ऑक्सीजन का कितना डबल, मतलब ये जुड़ गया, फिर क्या आया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना दो, ये इधर जुड़ा एक इधर, फिर क्या आया है कि नहीं, मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, ये बना। इसमें आइए सबसे पहले क्या, कार्बन हाइड्रोजन दो, पहले तो इसका हाथ निकालिए चार, बताइए हाइड्रोजन की संख्या दो, एक दो, अब O और H हमारे पास में तो बचा हुआ है, ये क्वेश्चन गलत है, थ्री ठीक, यहां पे लगाएंगे, फिर क्या लगेगा O, O का दो वैलेंसी, एक इधर जुड़ा एक इधर, इधर क्या लग गया H, क्लियर, टेन नंबर आइए, क्या लिखा दिखाई देता है आपको, कार्बन वन टू थ्री फोर, हाइड्रोजन की संख्या कितना तीन, वन टू थ्री, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कितना थ्री, ये देखिए वन टू थ्री, आगे कितना हाइड्रोजन, तो ये रहा इसका स्ट्रक्चर, समझ भाई, एक एक करके आप उठाएंगे और सबका लेविस डॉट सिंबल आपको जानना होगा, तभी आप स्ट्रक्चर कर पाएंगे, और जब स्ट्रक्चर कर पाएंगे तो आपको रिएक्शन बहुत ईजी लग जाएगा कि कहां पे जुड़ेगा और कहां पे जाके टूटेगा, इस तरह से आप रिएक्शन बहुत ईजी लगेगा। चलिए कल हम लोग चलेंगे आयूपीएसी नॉमेन क्लचर की ओर, ठीक।